पागल बच्चे ट्रेन मिस होने से पहले मोटे। आज तो बहुत बड़ा मतलब अपराध हो जाता है। वहाँ पे दो दिन का रेस्ट है, आज नहीं तो कल पहुँचेंगे। दिल्ली से हम लोग दिल्ली पहुँच रहे थे, दिल्ली से हमारा फिर ट्रेन है, तो अगर उसको हम लोग इसको हम लोग स्किप कर देते ना तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाता है। पूरा भीग चुका हूँ साइड से, और इसका लगेज भी भीग चुका है। और सबसे बड़ा बात दिक्कत क्या हो गया ना कि हम लोग एक्चुअली प्लान मतलब हमारा था कि चलो 4:30 बजे तक आराम से निकलेंगे। सीएसएमटी से हम लोग सोचे थे ट्रेन हमारा। एक्चुअली मेरा एक काफी डिस्टर्बिंग कॉल आ गया था मुझे, तो उस कॉल के वजह से काफी डिस्टर्ब हो गया था मैं। एक्चुअली क्या होता है ना, देखो हमारे मेरे वीडियो में तो आप क्या देखते हो, लाइक जैसे कि मैं क्या ट्रैवल कर रहा हूँ भाई, क्या खा रहे हो, लाइफ मस्त है। मोहित फर्स्ट एसी में घूमता है, फ्लाइट में घूमता है, इधर जाता है उधर जाता है, लेकिन उसके बैकएंड में भी बहुत सारा काम, बैकग्राउंड में नहीं पता है ना, इसीलिए सब कितना कितना पैसा कहाँ कहाँ पे लगा हुआ है। तो उसकी उसी के रिगार्डिंग एक कॉल आया मुझे, जो थोड़ा देर के लिए मैं डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि एक बड़ा सा अमाउंट मेरे को वहाँ भी देना है, और अगर फ्यूचर सिक्योर करना है तो कुछ ना कुछ तो भाई स्टेप लेना ही पड़ेगा, लेना पड़ेगा। तो बहुत सारा काम है जो धीरे धीरे इसके ब्लॉग में पता चलेगा, बहुत कुछ मैं ट्राई करूँगा दिखाने का। एक्चुअली क्या होता है, मैं इसको भी बोलता हूँ, देखो मैं तो ट्रैवल कर रहा हूँ तो इसका भी ब्लॉग है, तो ये अगर ब्लॉग बनाती है तो थोड़ा सिमिलर हो जाता है, तो मैं इसको हमेशा बोलता हूँ तुम ट्राई करो, जो मैं नहीं दिखा रहा हूँ वो दिखाने का एवरी टाइम। लेट्स सी, होप कि इसका भी कंटेंट थोड़ा इम्प्रूव हो, और हाँ साउट आउट वगैरह कुछ नहीं मिलेगा। नहीं जरूरत, अच्छे से काम करो, सपोर्ट मिलेगा, और साउट आउट देने से कुछ नहीं होगा, वो एक बार का ट्रैफिक होगा, फिर उसके बाद कोई आएगा, फिर उसके बाद से फिर क्या होगा, वीडियो इंटरेस्टिंग किसी को नहीं लगेगा तो कोई आएगा भी नहीं। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ एक अपना जेन्युइन ऑडियंस बनाओ, बट अच्छे तरीके से। चलो स्टेशन भी पहुंच गया हम लोग। अब बारिश देखो, अभी रुक भी गया, हल्का हल्का बारिश हो रहा है, एकदम हल्का हल्का। सो गाइस, फाइनली भागा दौड़े करके हम मुंबई सेंट्रल पहुंच तो गए हैं, और देख सकते हो हमारा ट्रेन ऑलरेडी प्लेटफॉर्म में लगा हुआ है। चलिए फटाफट अंदर चलते हैं, वैसे आज तो बाल बाल बचे हम लोग, ट्रेन नहीं तो हमारा मिस ही हो जाता। खैर लास्ट टाइम हमें कैब भी मिल गया आराम से, बारिश का तो क्या ही कहना है। खैर छोड़िए ये सब बातें, पहले चाहते हैं अपने कोच के अंदर जाके वीडियो को अंदर से कंटिन्यू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, और आज का ब्लॉग का शुरुआत देख सकते हो, बताने का जरूरत नहीं, आप लोग खुद ही समझ गए होंगे कहाँ से हो रहा है। और वैसे हम लोग अभी है मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन, जो कि हमारा जर्नी होने वाला है मुंबई से दिल्ली, तो काफ़ी एक्साइटेड भी हो। और आज हमारा जो ट्रेन है वो अगस्त क्रांति तेजस राजधानी से हमारा जो ट्रैवल आज होने वाला है, तो काफ़ी एक्साइटेड भी हो, और हमें लकीली कूप भी मिल गया जैसा कि देख सकते हो। तो जैसा जो होगा आप लोगों को बताएंगे, अपना जर्नी का अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करेंगे, खाना वगैरह भी आप लोगों को दिखा देंगे। तो उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मेरा वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए मैं अपने बैक कैमरे से आप लोगों को एक बार कूप दिखा देती हूँ। देख सकते हो ये एंट्रेंस, इसके साथ ये कर्टन, नॉर्मल जैसा कूप में रहता ही है। और ये हम लोग को पिलो वगैरह, ब्लैंकेट और बेडशीट वगैरह देखे गए हैं। और नीचे देख सकते हो ये सबसे अच्छा यूनिकनेस है, यहाँ पे कारपेट बिछा हुआ है तेजस राजधानी में, अगस्त क्रांति तेजस राजधानी में। बाकी ये मिरर, और यहाँ भी एक बड़ा सा क्लीन सा मिरर जो कि काफ़ी अच्छा है, और विंडो भी क्लीन है, लेकिन बारिश भयंकर हो रहा था ना बाहर तो इसके वजह से थोड़ा गीला है। और इसके साथ ये कर्टन भी है, जब कर्टन का ज़रूरत होगा तब कर लेंगे। बाकी लाइट्स देख लेते हैं, लाइट्स भी काम कर रहे हैं, और यहाँ पे चार्जिंग वगैरह लगाने के लिए सही है। तो फाइनली हमारा ट्रेन निकल चुका है, डिपार्चर टाइम इसका 5:10 का था, तो 5:10 से निकल चुका है। बस 2 मिनट का हॉल्ट था, गेट बंद होते ही अपना ट्रेन भी निकल चुका है बोरीवली रेलवे स्टेशन से। अब इसके बाद हमारा ट्रेन रुकेगा वापी,
सो गाइस मैं वैसे स्पीड की बात करूँ देख सकते हो 131 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रहा है और अभी 129-128 के हिसाब से चल रहा है। ये देख लीजिए 130 भी हो गया, 131 हो रहा था अभी 130-129-131 भी चल रहा है, तो काफ़ी अच्छा है। चलिए इंजॉय करते हैं, बाहर से आप लोगों को नहीं पता चल रहा होगा बट स्पीड इसका यही है। तो गाइस जैसा कि देख सकते हो ये सूप हम लोग को इवनिंग सूप मिल चुका है, इससे पहले हम लोग को इवनिंग स्नैक्स में मिला था तो वो भी अच्छा लग रहा था खाने में, जिसका मुझे कचौड़ी और सैंडविच बहुत ज़्यादा पसंद आया और ये सूप बना के उन्होंने दिया है। तो चलिए टेस्ट करते हैं, टेस्ट करने के बाद बता देंगे आप लोग को। और बाहर तो पूरा डार्क हो रखा है, कुछ दिखाने का आया नहीं। वैसे गाइस ट्रेन तो अपने हिसाब से चले जा रहा है, अपने रफ्तार में चले जा रहा है। अभी हम लोग जैसे ट्रेन में बोर्ड किए तो हम लोगों को थोड़ी देर पहले इवनिंग स्नैक्स मिला जिसमें मुझे कचौड़ी और सैंडविच इनका बहुत अच्छा लगा। साइड में आप लोगों को फोटो वगैरह दिख रहा होगा क्योंकि मैंने ब्लॉग करा नहीं, भूख बहुत तेज का लगा था तो जस्ट मैंने खाना स्टार्ट कर दिया, लेकिन उनका चाय सैंडविच और कचौड़ी बहुत अच्छा था। उसके बाद हमें थोड़ी देर पहले फिर हमें सूप भी मिला था जो कि इनके पेंट्री कार में बन के आया हुआ था, तो वो बोल रहे थे स्वीट कॉर्न सूप है लेकिन एक्चुअली में वो स्वीट कॉर्न सूप नहीं था, वो वेजेज सूप बोल सकते, वो भी बहुत अच्छा था। तो अभी हम लोग कहीं सूरत के पास आ गए तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। वैसे मोहित गया है गेट के पास शूट करने के लिए और मैं आपको अपने विंडो से दिखा देती हूँ। वैसे देख सकते हो सूरत स्टेशन, अभी टाइम हो रहा है 8:17 और ये विंडो पूरा ट्रांसपेरेंट है ना, तो सबका एंटीना विंडो के पास ही घुमा हुआ है तो कुछ बोल नहीं सकते, तो देख सकते कुछ ऐसा। और बारिश भी रुक गई, ऐसे हम लोग निकले थे ना तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा था, अब एकदम बारिश रुक गया है। वैसे मैं ट्रेन की बात करूँ तो ट्रेन नंबर देख सकते हो 12953 अगस्त क्रांति तेजस राजधानी सम्राट जर्नी हो रहा है। मुंबई सेंट्रल से इसका डिपार्चर टाइम था 5:10 का, तो देखते देखते हम लोग बोरीवली क्रॉस कर लिए, वापी क्रॉस कर लिए, वलसाड क्रॉस कर लिए, अभी हम लोग पहुंच गए सूरत। उसके बाद आएगा 12 जंक्शन, वडोदरा जंक्शन, उसके बाद सेकेंड डे में आएगा रतलाम जंक्शन, कोटा जंक्शन, बहुत सारे जंक्शन है जैसे देख सकते हो। हम लोग इसका पहुँचाने का टाइम तो वैसे दिखा रहा है 9:46 में हम लोग पहुँच जाएंगे, वैसे लेट ही दिखा रहा है। और ट्रेन की मैं डिले की बात करूँ तो ट्रेन 3 मिनट डिले चल रहा है, कोई बात नहीं वो मैनेज हो जाएगा। और यहाँ पे सूरत में इसका 5 मिनट का हॉल्ट है, 5 मिनट का, तो काफ़ी लोग बैठे भी हुए हैं। तो सूप वगैरह हम लोगों ने तो पी लिया, अभी थोड़ी देर बाद डिनर आएगा तो हम लोगों ने कहा कि डिनर भैया थोड़ी देर बाद ही देना क्योंकि सूप हम लोगों ने दो बार पी लिया क्योंकि सूप इनका बहुत अच्छा था। तो हमारा जब डिनर आएगा तब वीडियो कंटिन्यू करेंगे और पता नहीं उसके बाद डिनर करने के बाद सो ही जाएंगे, तो जैसा जो होगा आप लोगों को दिखाएंगे, तब तक के लिए ब्लॉग पे बने रहिए। देख सकते हो वैसे हमारा ट्रेन सूरत से निकल चुका है 5 मिनट हॉल्ट के बाद, और यहाँ डिनर भी भैया दे रखे गए हैं, डिनर भी हमारा सर्व होगा होने वाला है, तो डिनर भी आएगा तो आप लोगों को दिखाएंगे हमारा डिनर में क्या क्या है। और अब पूरा डार्क हो जाएगा, वैसा कुछ दिखाने का रहेगा नहीं, तो डायरेक्ट हमारा डिनर आ जाता है उसके बाद वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि देख सकते हो हमारा डिनर आ चुका है, ये मिक्स वेज पनीर चिकन का कुछ चिकन का पकौड़ा जो कि ये पहला टेस्ट कर लिया, कैसा है? जला है। कैसा कॉम्प्लीमेंट था ये? जला है ठीक ठाक। और इसने अपना पनीर लिया है और पनीर का जैसे मुझे यहाँ चिकन पकौड़ा मिला है वैसे इसको पनीर का फ्राई करके दिया गया है, पनीर पकौड़ा, दाल दही, बस ओवरऑल यही हमारा डिनर होने वाला है जो कि देखने से बहुत ज़्यादा डिलीशियस और यम्मी, जैसे घर जैसा खाना होता है ना वैसा लग रहा है। तो चलिए फिर टेस्ट करते हैं, टेस्ट करने के बाद आप लोग बता देंगे खाना कैसा था। डिनर वगैरह तो हो गया डन, और डिनर की बात करें डिनर इनका बहुत अच्छा था, और चिकन तो मैंने लिया था बट वो मसालेदार था, टेस्ट अच्छा था लेकिन रात में इतने मसालेदार खाना भी तो नहीं खाना चाहिए ना। ओवरऑल बोलूँ तो डिनर इनका बहुत अच्छा था। मोहित आएगा तो मोहित से भी खाने का रिव्यू ले लेंगे। खाना कैसा लगा? खाना बहुत बढ़िया था, और सबसे बढ़िया बात कि एक्चुअली इतना ट्रैवल करके क्या होता है ना, मतलब बाहर का खाना हम लोग उठ जाते हैं, काफी लोग वैसे देखता हूँ मैं कमेंट बोलते हैं कि क्या यार बाहर का खाना से थकते नहीं है भाई, हमें खुद नहीं मन करता खाने को, शौक से थोड़ी काफी वही है तो मजबूरी में खाना पड़ता है। बाकी बहुत बढ़िया था खाना, एकदम घर जैसा खाना, और जितने भी स्टाफ है ना, और ऐसा तो मैं अभी देखता हूँ जितने भी अभी राजधानी के स्टाफ है या फिर सब तुम्हारा फेस समझ जाते हैं भाई, पहचान जाते हैं कि अरे सर आपको मैंने देखा था कहीं, तो ब्लॉग में देखा था, कोई तो वीडियो में देखा था, मैक्सिमम को चैनल का नेम नहीं आता था क्योंकि ये देखो इनका काम ही इतना ज्यादा रहता है कि वीडियो कभी कभी आ जाता होगा देख लेते होंगे। अभी अक्षय फोन कर रहा था, अक्षय अभी भुवनेश्वर वाले राजधानी में है,
उसके भी सारे स्टाफ आप उसको जानते हैं क्या, तो बात करो इसीलिए फोन करके बात करवा रहा है कि मोहित भाई ये देखे बात करो, तो अच्छा है ना, जाना माना शहर है, बहुत जाना माना शहर हो गया अभी, तो बढ़िया लगता है भाई। अच्छा मतलब बढ़िया, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। और खाना बहुत बढ़िया था, मजा आ गया। और स्पेशली मेरे को दाल जल्दी पसंद आता नहीं है, इस ट्रेन का मुझे दाल भी दाल, अच्छा लगा। दाल भी बहुत दाल अच्छा पी लिया है मैंने, मतलब सुबह मस्त एकदम पी वो भी इसका ही सिग्नेचर वर्ड रहता है, दाल के बाद ये बोलेंगे ही बोलेंगे। और खाने के बाद ये हमें आइसक्रीम सर्व हो चुका है, तो चलिए आइसक्रीम खाते हैं, अब जाएंगे सोने के लिए क्योंकि बाहर तो पूरा डार्क हो रखा है, तो अभी जाएंगे सोने के लिए, मिलते हैं डायरेक्ट सुबह में। तो यहाँ पे क्लीनिंग के लिए भी भैया आ गए, मतलब ए क्लास सर्विस मिल रहा है। चलिए अब इनका आपको वॉशरूम दिखा देते हैं, और नीचे रेड कारपेट बिछा हुआ है, ये देखिए इंडियन स्टाइल और ये वेस्टर्न स्टाइल। चलिए वेस्टर्न स्टाइल में चलते हैं। इनका वॉशरूम के बाद तो वॉशरूम मिरर तो देख लो, पहले मिरर काफ़ी क्लियर थे, और यहाँ पे सोप, यहाँ पे पानी, और यहाँ पे ये देख लो कुछ अलग ही है, सेफ सीट। ये प्लास्टिक भी चेंज हो रहा है, मतलब ये काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी बढ़िया, काफ़ी बढ़िया है, बहुत बढ़िया। बाकी वॉशरूम कुछ ऐसा है, तो गाइस खाना वगैरह तो हमारा हो गया है डन, तो जैसे देख सकते हो हमारा बेड लग चुका है, और ये अभी मस्त एडिटिंग करेगा। अब एडिटिंग करोगे ना, अब ये एडिटिंग करेगा, मैं जाऊंगी ऊपर सोने के लिए एज यूजुअल, और माहौल देख सकते हो कुछ ऐसा है, तो चलिए जाते हैं सोने के लिए। अब इस वीडियो को डायरेक्ट मॉर्निंग से ही कंटिन्यू करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और अभी जस्ट सो के उठे हैं, तो अभी जाते हैं फ्रेश होने के लिए, और फ्रेश वगैरह होने पर ब्रेकफास्ट भी आएगा, तो ब्रेकफास्ट हमारा आएगा, तभी वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि देख सकते हो ये हमारा ब्रेकफास्ट आ चुका है, उपमा, और ये पोहा, कटलेट, ऑमलेट, ब्राउन ब्रेड, कॉर्नफ्लेक्स, बहुत सारा ब्रेकफास्ट में, तो चलिए ब्रेकफास्ट इन्जॉय करते हैं, इन्जॉय करने के बाद मिलते हैं। तो गाइस फाइनली हम लोग दिल्ली हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंचने वाले हैं, और बस एंटर कर ही गए हैं, और अभी देखते हैं जैसा जो आप लोगों को बताएंगे। और ट्रेन की मैं एक्सपीरियंस की बात करूं तो अच्छा ही रहा, खाना भी अच्छा था इनका, और रात में जो नींद भाई जबरदस्त बढ़िया एकदम मजे वाली नींद आई है। फाइनली हाफ एन आवर डिले, हम लोग पहुँच चुके हैं हजरत निजामुद्दीन, अब लेट ही सही बट हम लोग पहुंच तो गए। खैर निकलने के बाद वीडियो कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं। अभी तो सुनने में आ रहा है दिल्ली में G20 का कुछ माहौल चल रहा है, पता नहीं, स्टेशन से निकल जाते हैं उसके बाद वीडियो कंटिन्यू करते हैं। वैसे स्टेशन हमारा इस साइड में नहीं है, उस साइड में। तो फाइनली हम लोग ट्रेन से निकल चुके हैं, और देख सकते हो माहौल कुछ ऐसा है। ये रहा हमारा ट्रेन जो कि बहुत ही अच्छा था, खाना तो बहुत अच्छा था, स्टाफ भी बहुत अच्छे थे, और ये हमारा तेजस राजधानी फर्स्ट एसी में जो हमारा टिकट था, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा। तो चलिए अब निकलते हैं यहाँ से, अब स्टेशन से बाहर निकलते हैं, देखते हैं ऑटो टोटो क्या मिलता है क्या नहीं मिलता। सबसे पहले तो स्टेशन से निकलते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। हम लोग स्टेशन के बाहर तो निकल चुके हैं, और स्टेशन इतना खाली है, इतना खाली ऐसा कभी मैंने नहीं देखा है, और G20 का सीन भी चला, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले वाले क्लिप में बताया ही। खैर निकलते हैं, निकलने के बाद जैसे देखते हैं हमें लोग को ऑटो मिलता है या टोटो मिलता है। तो फाइनली हम लोगों को तो ऑटो मिल गया है, बट ऑटो मिला भी तो कैब वाले रेट में मिला है, और रास्ता देख सकते हो कितना खाली है, कितना खाली, जैसा लग रहा है लॉकडाउन वाला सीन आ गया हो, पूरा रास्ता खाली। G20 की वजह से पूरा रास्ता इन्होंने ब्लॉक, मतलब बंद करके रखा है, जिसके वजह से नॉर्मल सिटीजन को कितनी दिक्कतें हो रही है, उसमें से हम लोग भी एक है जितना प्रॉब्लम हो रहा है। खैर होटल पहुँच जाए तो उसके बाद आप लोगों से वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, लेकिन बहुत दिक्कत हुआ ऑटो ये मिलने में, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ।
सो गाइस फाइनली हम लोगों ने होटल में चेक इन कर लिया है, और जर्नी की मैं बात करूँ तो जर्नी तो काफ़ी कमाल कर रहा है। बस यही था कि बीच में थोड़ा हम लोग जब मुंबई से निकले तो बारिश बहुत तेज का हुआ था, जिसके वजह से थोड़ा भागा दौड़ी पड़ गया था। जैसे कि आप लोगों ने वीडियो में देखा है, हम लोग मतलब हम लोग सोच रहे थे कि हम लोग का ट्रेन जो है CSMT से था, लेकिन CSMT से नहीं था, मुंबई सेंट्रल से था। लास्ट मोमेंट हम लोग ने कैसे भागा दौड़ी करके ट्रेन को पकड़ा, क्योंकि मिस हो जाता तो फिर तो पूरा बेड़ा गड़ हो जाता, क्योंकि हमारा आगे का प्लान भी चौपट हो जाता। तो ओवरऑल मैं ट्रेन की जर्नी का बात करूँ, जर्नी बहुत ही अच्छा रहा, खाना बहुत अच्छा रहा, स्टाफ बहुत अच्छे रहे, और चाय वगैरह खाना जैसे कि आप लोगों ने देखा, चाय वगैरह के लिए तो हम लोगों ने खुद का बंदोबस्त करके रखा था। लेकिन ट्रेन की मैं चाय की मैं बात करूँ तो चाय भी उनका पेंट्री कार में बन के आ रहा था, तो वो भी काफ़ी कमाल का था, और खाना तो उनका था ही अच्छा। तो चलिए अब इस वीडियो को ज़्यादा मने करते, वैसे हम लोग दिल्ली तो पहुँच गए, अभी हमारा दिल्ली से ट्रेन भी है, तो वो नेक्स्ट डेस्टिनेशन कहाँ का नहीं है वो आप लोग मोहित के वीडियो में देखे ही होंगे, तो वहाँ भी मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा, मोहित का भी फर्स्ट होगा जाना, वहाँ का भी जाके एक्सप्लोर करेंगे अच्छे से, वो आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। और यहाँ पे दिल्ली में हम लोग स्टे कर रहे हैं, लेकिन हम लोग सोचा था थोड़ा मूवीज़ वगैरह देखने जाएंगे, थोड़ा रेस्ट भी करेंगे और थोड़ा इधर उधर घूम भी लेंगे दिल्ली, बट G20 की वजह से सारा सब कुछ बंद होकर पड़ा है, हम लोग रूम में ही अभी है, तो कुछ करने का नहीं है, बस ऑनलाइन फूड ऑर्डर कर रहे हैं या फिर होटल का जो मेन्यू कार्ड है वहीं से कुछ खाना ऑर्डर कर रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, अब इस वीडियो को ज़्यादा मन नहीं करते, आई होप कि आप लोगों को मेरा ट्रेन जर्नी वाली वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा फॉर मोर वीडियोस, और सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते यार, सब्सक्राइब कर दो यार कि थोड़ा मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने का। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी ब्लॉग में कुछ न्यू कॉन्टेंट्स का, तब तक के लिए बाय।